आदाब से हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नई कमाल की बिल्कुल ट्रिक लाया हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना PUBG मोबाइल पे शूट कर सकते हो सिर्फ अपने वॉल्यूम बटन के थ्रू। जैसा कि आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर शूट कर रहा हूं, लोगों को किल कर रहा हूं वॉल्यूम बटन पर प्रेस करके। मैं स्क्रीन पर टच नहीं कर रहा हूं शूट करने के लिए, सिर्फ वॉल्यूम बटन पर दबा रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं। कितनी आसानी से मेरे किल्स बढ़ गए हैं और आसानी से आप यहां पर चिकन डिनर वगैरह भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑक्टोपस। वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से जाकर मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको सर्च कर सकते हो ऑक्टोपस। तो इस एप्लीकेशन से आप अपने कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, गेम पैड के थ्रू अपने गेम्स खेल सकते हो। नॉर्मली आप नहीं खेल सकते लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, पहले इंस्टॉल कर लें इसको, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर PUBG गेम अपना देखना होगा, यानी जो भी गेम आपको ओपन करना है वो आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ PUBG दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर इस पर टैप करूँगा और हमारा गेम ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे आपको ऊपर एक फ्लोटिंग आइकन जैसा दिखेगा या फिर इनका जो बैच जैसा जो भी है उस पर आपको टैप करना होगा। तो आपको कुछ यहाँ पर बटन्स दिखाई देंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप कोई कीबोर्ड यहाँ पर कनेक्ट करते तो यहाँ पर आप F दबाते तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे टैप होता, तो बस यही काम करती है, आपके स्क्रीन पर कीज़ मैप कर देती है, यानी कीबोर्ड वगैरह की स्क्रीन मैप करती है। जैसे आप F दबाएंगे तो आपका एक बटन जो है या स्क्रीन का जो एक हिस्सा है वो वहाँ पर टच होगा, तो बस इतना इसका काम है। तो हम यहाँ पर एक नया बटन बनाने वाले हैं, सारे बटन आप हटा सकते हो और यहाँ पर एक नया बटन बना सकते हो और वो वॉल्यूम अप उस पर हम लोग कर देंगे। तो जैसे हम वॉल्यूम अप दबाएंगे तो यहाँ पर टच होगा, तो उसको मैं वहाँ पर रख देता हूँ जहाँ पर मेरा शूट करने वाला मेरा बटन है स्क्रीन पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने शूट वाला जो भी बटन है आपका स्क्रीन पर वो शायद आप ऊपर कर लो या जहाँ पर रखा वहीं पर रख दो, कोई मसला नहीं है। आप चाहो टच करके खेलो या फिर आप वॉल्यूम अप करके भी खेलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। कंट्रोल सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हो सेटिंग को। बस आपको इतना करना है कि बस आपको वॉल्यूम अप करना है और आपका जो बटन है यानी जो ये पोर्शन है जो आइकन है वो वहीं पर रखना है जहाँ पर आपका शूट वाला बटन है, जहाँ से आप शूट करते हो फायर करते हो वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जैसे आप वॉल्यूम अप दबाओगे तो आपका ये एप्लीकेशन वहाँ पर टच कर देगा उस बटन को, तो बस इतना काम करता है ये। तो यहीं से आप चाहो तो वॉल्यूम डाउन को अपना स्कोप बना सकते हो या फिर रिलोड करने का भी कर सकते हो। तो मुझे रिलोड करने के लिए काफ़ी पसंद आया इसके लिए ये चीज़, क्योंकि जब भी मुझे जल्दी जल्दी रिलोड करना होता है, मतलब स्क्रीन पर थोड़ा नीचे रहता है तो कभी कभी क्या होता है मैं नहीं रिलोड करता, लेकिन ऐसे क्या होता है बटन पे तो बहुत जल्दी रिलोड करता हूँ। तो आप वॉल्यूम डाउन करके ऐसे भी कर सकते हो और फिर उसके बाद आपके जो किल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मैं बता रहा, क्योंकि आपको एक फिज़िकल बटन मिल रहा है और आप आराम से मूव कर सकते हो। तो आपको जो मूव करते हो जब आप किल करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किल कर पाओगे और अगला बंदा आपको जल्दी नहीं मार पाएगा। बस बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो वॉल्यूम बटन अगर थोड़ा सा बीच में है, जैसे मेरे वन प्लस सिक्स में है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे। तो मैं यहाँ पर अपने टीवी वाले फ़ोन में खेल रहा हूँ इस फ़ोन में, तो यहाँ पर ये बहुत ही करीब है और यहाँ पर राइट साइड भी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं स्कोप लगा सकता हूँ आराम से और फायर भी कर सकता हूँ और आराम से मेरी किल भी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड कलर के सब्सक्राइब में क्लिक करके और राइट में बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले देखें। तो मैं अदनान खान ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।